हाँ जी राजे नैक्सट देखो सैकेंड सम कंसिडर द फॉलोइंग पैरेलोग्राम फाइंड द वैल्यूज ऑफ अनोन एक्स वाई एंड जेड हूँ सू गिवन है कि फिगर की है पैरेलोग्राम है असी अनोन एंगल्स की की निकालनी है वैल्यू असी सारिया प्रॉपर्टीज यूज़ करा देखो सब तो पहले तो सूँ नज़र आ रहा बी हूँ बी दे ऑपोजिट की है डी दैट मीनस जिन्ना बी है उन्ना की होगा डी होगा इसलिए आप कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी रीज़न की होगा यदा ऑपोजिट एंगल्स आर ईक्ुअल ओपोजिट एंगल्स की होंगे हैं इक्वल यानी कि बी की B दी वैल्यू की है हंड्रड डी वैल्यू की है वाई दैट मीनस वाई वैल्यू हंड्रड अपने को आ गई हूँ देखो नैक्सट वैल्यू असी निकालनी है हूँ देखो हंड्रेड और जेड यानी कि ए और बी दोनों की ने एडजसेंट एडजसेंट मतलब दोनों का टोटल कि होगा वन एटी यानी कि असी कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज ईक्अल टू वन एटी रीज़न एडजसेंट एंगल्स एडजसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी एडजसेंट एंगल की होंगे सप्लीमेंट्री यानी कि हंड्रेड प्लस जेड इज ईक्अल टू वन एटी और जैड की वैल्यू वन एट्टी एज इट हंड्रेड की हो गया माइनस ई e की आ गया एट्टी डिग्री और जो जेड एट्टी है तो जैड द ओपोजिट की है एक्स दैट मीनस के एंगल ए इज़ ईक्वल्स टू एंगल सी रीज़न की देवे नपोजिट एंग ठीक है और ए कि अपना जेड एक इक्वल आएगा x दे यानी कि एटी एकअल कि आ गया दे द अं कह स x इज एकुअल टू एटी वाई इज ईक्वल्स टू हंड्रड और z इज एकुअल टू ऑलसो एटी डिग्री एक ही आ गया अपना आंसर ओके